बच्चों एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि आईसीआई ने फाइनली 24 अगस्त को जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो कि मई 2024 के एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल होने वाली है तो एग्जिस्टिंग स्कीम के कैंडिडेट्स को उसके अंदर क्या क्या एग्जाम मिलेगी उससे रिलेटेड जो ये मच अवेटेड अनाउंसमेंट थी ये आईसीआई ने अपने अनाउंसमेंट सेक्शन में यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है तो आइए इसे गो थ्रू करते हैं तो बच्चों ये चौबीस अगस्त की अनाउंसमेंट है और इसके अंदर आईसीआई ने गाइड किया है की कि जैसा की हम सभी जानते हैं की जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है उसको आईसीआई ने एक जुलाई 2023 से इंप्लीमेंट कर दिया है और अब जो सी इंटरमीडिएट और सी फाइनल के न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तहत जो फर्स्ट एग्जामिनेशन हैं वो मई 2024 में कंडक्ट किए जाएंगे तो यहाँ पर काउंसिल ने ये डिसाइड किया है जो सी फाइनल के एग्जामिनेशन उसमें भी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनको कौन कौन से पेपर्स के अंदर ओल्ड से एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर यानी की पुरानी स्कीम में कौन कौन से पेपर्स है वो अब न्यू स्कीम के अंदर एग्जाम हो जाएंगे उसके बारे में यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड की गई है तो सबसे पहले यहाँ पर जो फाइनल एग्जाम

है अब इसके अंदर सबसे पहले जो यहाँ पेपर है उसके बारे में बताया गया है तो लेफ्ट साइड में जो ओल्ड स्कीम जो एग्जिस्टिंग स्कीम है जो की नवंबर तक एप्लीकेबल रहेगी उसके उसके बारे बारे में 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 बताया बताया गया है और है और राइट साइड के के कॉलम जो न्यू स्कीम जिसके पेपर की मई 2024 कंडक्ट किए जाएंगे पेपर्स गया है तो जो पेपर नंबर वन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो अगर कोई स्टूडेंट 60 या मोर देन 60 मार्क्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में अचीव कर लेता है तो उसका यह पेपर न्यू स्कीम में एग्जाम हो जाएगा इसी तरह जो पेपर नंबर टू है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर कोई कैंडिडेट इसमें 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स लाता है तो उसका जो पेपर नंबर टू है न्यू स्कीम का एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये एग्जाम हो जाएगा और जो एग्जिस्टिंग स्कीम का पेपर नंबर थ्री है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स तो अब जो न्यू स्कीम का पेपर नंबर थ्री है एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स तो ये वाला पेपर इसके बदले में एक्सम्ड हो जाएगा जो पेपर नंबर फोर है एग्जिस्टिंग स्कीम का कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज तो अगर कोई कैंडिडेट इसमें सिक्सटी से ज्यादा मार्क्स लेके आता है तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स सेट ए है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज ये जो पेपर है ये एग्जाम हो जाएगा अब जो पेपर नंबर फाइव है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन न्यू स्कीम के अंदर सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट भी है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये वाला जो पेपर है ये अब एग्जाम हो जाएगा अब इसके बाद जो पेपर नंबर सिक्स है इलेक्टिव पेपर उसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट अपने पर्टिकुलर इलेक्टिव पेपर के अंदर 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स को गेन कर लेता है तो जो न्यू स्कीम के अंदर पेपर नंबर सिक्स है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस ये पेपर एग्जाम हो जाएगा और जो पेपर नंबर सेवन है डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन तो न्यू स्कीम के अंदर जो पेपर नंबर फोर है डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन ये पेपर एग्जेप्ट हो जाएगा और अभी जो एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर इंडायरेक्ट टैक्स लॉस है तो जो पेपर नंबर फाइव है इंडायरेक्ट टैक्स लॉस वो एग्जेप्ट हो जाएगा तो बच्चों आईसीआई ने डिटेल्ड मैनर में यहाँ पर जो पेपर वाइज एग्जेम्पन है सी फाइनल के लिए वो यहाँ पर डिफाइन कर दिया है अब इस अनाउंसमेंट के सेकेंड पेज के ऊपर जो ग्रुप वाइज एग्जेपन है उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है तो सेकंड पेज के ऊपर

कर चुका है या नवंबर 2023 के एग्जाम्स में वो ग्रुप को क्लियर कर लेगा तो ग्रुप वन के जो चार पेपर्स हैं पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री एंड पेपर फोर ये ऑलरेडी वो क्लियर कर चुका है और इसके कोरस्पोंडिंग जो एग्जाम मिलेगी वो सेकंड कॉलम में बताई गई है तो पेपर वन के बदले में कैंडिडेट को न्यू स्कीम में पेपर वन में एग्जामेशन मिल जाएगी पेपर टू के बदले में पेपर टू में एक्सामेशन मिल जाएगी पेपर थ्री के बदले में पेपर थ्री में एग्जामेशन मिल जाएगी और पेपर फोर के बदले में सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज इसमें से मिल जाएगी

सेट भी, उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है तो अगर किसी कैंडिडेट ने मई दो हजार तेईस में या उससे पहले ग्रुप टू क्लियर कर लिया है या वो नवंबर दो हजार तेईस के एक्सामिनेशन में ग्रुप टू को क्लियर कर लेगा तो ऑब्वियस बात है की जो चार पेपर है पेपर फाइव पेपर सिक्स पेपर सेवन पेपर एट ये ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं उसके और इसके बदले में जो एक्जामिशन मिलेगी वो भी यहाँ पर गाइड की गई है सेकंड कॉलम में सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट भी और साथ में पेपर सिक्स पेपर फोर एंड पेपर फाइव तो ये चार पेपर्स एग्जाम हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट ने ग्रुप टू क्लियर किया हुआ है अब जो रिमेनिंग पेपर्स है ग्रुप वन के जो ऐसे कैंडिडेट्स को क्लियर करने पड़ेंगे उसकी गाइडेंस थर्ड कॉलम में दी गई है तो मे टू के एग्जामिनेशन में न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को पेपर नंबर वन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर नंबर टू एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर थ्री एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स और सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस इन अपियर इन्हें क्लियर करना पड़ेगा तो तब जाकर कैंडिडेट का सी ए फाइनल का एग्जामिनेशन क्लियर होंगे अब यहां पर स्टार मार्क भी दिया गया है ऊपर भी ग्रुप वन के अंदर लास्ट जो ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है सेट बी इसके अंदर भी स्टार मार्क दिया गया था और नीचे भी यहाँ पर जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है सेट ए इसके अंदर भी स्टार मार्क दिया गया है और इसके बारे में यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड की गई है कि जो फाइनल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जो कि मई 2024 के एग्जामिनेशन में न्यू स्कीम के अंडर अपियर होंगे तो उन्हें जो ये क्लियर करना है, जैसा कि यहां पर की गई है लेकिन आपको, ये लिख दी गई है, कि आपको तभी मिलेगी जब आप ये पेपर क्लियर कर लेंगे देयर आफ्टर द कैंडिडेट वुड बी एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर क्वालिफाइंग सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स एज एप्लीकेबल तो ये बात यहां पर क्लियरली लिखी गई है और सबसे लास्ट

बेस्ट ऑफ लक बच्चों इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा जय श्री श्याम